मैं लगाई है जी 10 एकड़ 1847 पूसा बासपति 15-09-16-92 उस फैमिली नाल, लेकिन ये बीमारियां तो पा के मैं दिल्ली पूसा यूनिवर्सिटी से इतने लैके आई हूँ। थोड़ा जैसे सीड मल्टीप्लाई किया 10 एकड़, इस टाइम पंजाब सब तो वड्डा 1847 का प्लाट मेरे को। एक तो ये खूबी है कि गिरदी नहीं, जितना बासपति ज्यादा खाद पाया बारिशा आंधी गिर जाती गिरदी नहीं, और डिजीज फ्री है। जेड़े जेड़े साढ़े मुंजी लाने वाले भाई ने काश्तकार भाई उन्होंने पता है कि 1847 डिजीज फ्री, और सब अगला जेड़ा साल है या अगली जेड़ी साड़ियाँ जमीन मैक्सिमम जेड़ी लगाई जाएगी वो ही लगाई जाएगी। मेरा चूंकि यूनिवर्सिटी तो मैं खुद लैके आई अथेंटिक सीड, और बड़ा तुम देखा भी है कि टिलिंग बहुत ज्यादा है 45-50 एक मतलब चावल के बच्चों एक मुंजी चो इतनी मुजराल है, टिलिंग बहुत ज्यादा है और हाई यील्ड वैरायटी दावा कर दी पूसा यूनिवर्सिटी 75-80 मान एकड़ जाती है। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा ऐ दसो कि इदा जेड़ा बीज है पर एकड़ कितना यूज होएगा? मैं तो जी यूनिवर्सिटी च लेके आई सी 24 किलो बीज, और मेरा 100% जर्मिनेशन रेशियो आई 10 एकड़ का प्लॉट सी ओ बीच लगा देता, बल्कि 1.5 किलो समझो बीज बाद ही गया सी, 10 एकड़ का प्लॉट सी ओ कंप्लीट हो गया। लगाना ना की सही टाइम है? ये मेरा लगा जी 1 जुलाई में, 1 जुलाई में शिफ्टिंग कर दी थी, है सी को 28-29 दिन का बीज सी, और बहुत अच्छा मतलब सब कोई भी चावल लगाओ 30 दिन तो उत्ते भी करीब पनीरी नहीं जानी चाहिए, पक्की पनीरी यील्ड घटा जाती है, 21-30 दिन के अंदर अंदर पनीरी में शिफ्ट होना जाना चाहिए। जो लोग खादा जिंक पाते हैं पनीरिया से स्प्रे कर दें उन्होंने भी जल्दी पनीरी वड्डी हो जाती, 21 दिन से ट्रांसफर कर सकते हैं, 30 दिन मैक्स 30 दिन तो उत्ते नहीं जान दिया, तो उस तो बाद वो जी पनीरी पनीरी भी रहती है मचोरटी गल चली जाती है, जिनी कूली पनीरी होगी उतना जल्दी वो चलेगी। ठीक हो गया जबरदस्त। ए फरमाओ के पनीरी तो बाद जो शिफ्टिंग कर देंगे हो ये हार्वेस्ट होने का कितना टाइम लग जाती है? ये बास करनल बासपति जिस तरह बासपति का ही से 110 दिन की फसल जी। ठीक हो गया। अच्छा ए फरमाओ के इस तो पहले जी किस्म ने मसलन तुसी कह रहे हो कि 15-09 तो बाद 16-92 और उस तो बाद अपग्रेडेड है वे, इधर पिछलियां दो फसलों ते केड़ियां केड़ियां बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही सी पाकिस्तान दे विच और इधर ते उन्हें बीमारियों को कंट्रोल किया गया वो जरा डिटेल दस दो। 15-09 इस तरह भी उसमें बहुत ज्यादा बुकैनी पई है, और बीमारियां BLB पै गई और बड़ी मरी है। 16-92 भी एक प्रॉब्लम आई, लोग फिर कॉपर दे स्प्रे किए, कॉपर नीला थोड़ा जमीन च पाया क्योंकि फंगल डिजीज है, जिन्हें थोड़ा लेट पाया उन्होंने ज्यादा नुकसान हो गया, जिन्हें जल्दी पा लिया कदरे बेहतर हो गया, लेकिन 1847 जी डिजीज फ्री वरायटी इससे कोई ऐसी बीमारी बुकैनी या जिन्हें हाईब्रिड वरायटी बहुत अच्छी है। अजे तक वो दावा कर दें कि 5 साल भी उससे कुछ नहीं आए, उन्हें तक कोई और बीज आ जाएगा। ये लगन तो 10 दिन बाद मैं एक बोरी यूरिया जिंक और सल्फर पाया, दूजे पानी तो फिर एक बोरी यूरिया और नीला थोथा पा दिता, ये डोजेस जड़ियां ने इन्हें कंप्लीट की ताकि एक तो कलरिंग अच्छी हो जाए, दूजा फिर उस तो बाद मैं मोनो भी पाई NPK का स्प्रे भी किया है। हूँ एक दफा धागा मरवाता है क्योंकि बारिश आई कोई लीफ अटैक ना हो, लेकिन कुछ नहीं सी प्रकॉशनली एक जाला धागा मरवा देता है। हूँ अज सुबह इंशाल्लाह इस विच पोटैश पा जाएगी एक बोरी। धागा मरवाने का की फायदा? धागा अगर कोई तेला हो गए स्प्रे, मैं स्प्रे तो अवॉइड किया है कि पेस्टिसाइड ना हो, एक किले के एक साइड पे एक बंदा खड़ा होता है, एक साइड पे एक बंदा खड़ा होता है, वो जिस तरह एक रस्सी चलाए जाते हैं किले मतलब एक कोने तो पकड़ के दूजे कोने तक, पत्तियां तो कोई भी अगर मच्छर बंद है तो तेला वे या कोई लीफ माइनर है या कोई लीफ के बीच कोई सुंडी आई है और या कोई जाला बन गया वो साफ हो जाता है, जहरां दा स्प्रे घट जाता है। ठीक हो गया जबरदस्त। अच्छा है फरमाओ कि मैं मैक्सिमम कितनी टिलरिंग बनाई है? मेरा जी तो 50+ टिलरिंग आ रही है, उसी वे क्या गया कि 48-50-55
इस तरह नॉर्मल अंदर भी जा के पौधे गिने ट्रिलिंग बहुत ज्यादा। इस वास्ते दावा कर दीजिए यूनिवर्सिटी के 80 मंड तकदी 80 मंड तो ज्यादा होंगे। 6 एकड़ जड़ा इधर पौधे की तादाद कितनी होती है नॉर्मली? कितने मजदूर ला रहे होंगे अगर किसी मशीन के जरिए लगाओ फिर तो पता चलता है, लेकिन मैं लगता है लाख तो कितनी जानती है। मैं बहुत घना जिस तरह मुझे यहाँ लगती है कि मैं वो काउंटिंग नहीं की थी, क्योंकि साढ़ा सीधा सीधा चल रहा होंगे प्लाटा पनीरी होंगी और शिफ्टिंग हो रही होंगी और मजदूर गिन के लाते को पतली तो कभी मुझे लगन देती नहीं, पहाड़ियाँ भी नहीं लगती मुंजी सन नहीं लगनी। की एक्सपेक्ट करते हो थोड़ी पाकिस्तान में कितनी एक एवरेज आ जाएगी? इंशाल्लाह असि जो इंडिया दस रहा मेरी मुंजी दस रही असि उन्होंने जो हदफ रखे है असि 85 मन इंशाल्लाह कर देगी।